हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पर। और दोस्तों, ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जिन्होंने छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में प्री बीएड और प्री डीएड के लिए आवेदन किया था, जो कि 7/4/2018 से स्टार्ट हुए थे। उनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो बोर्ड ने जारी कर दी है। तो बन रही है हमारी वीडियो के साथ, और उस वीडियो को आप अंत तक देखिए। हम आपको बताएंगे कैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और क्या इसका सिलेबस रहेगा। और उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितनी भी गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वेबसाइट जिसका नाम है gayatrijobs.com। वेबसाइट पर जाने के लिए हम टाइप करेंगे gayatrijobs.com और एंटर प्रेस करने के बाद हम सर्च एयर में सर्च करेंगे CGPreBEd और एंटर सर्च पे क्लिक कर देंगे। इसका जो एडमिट कार्ड है उस पर एडमिट कार्ड वाली जो पोस्ट है उस पर हम क्लिक करेंगे। और दोस्तों, इसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँ, जिससे कि आप डायरेक्टली इस पोस्ट पे पहुंच सके। तो ये जो छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का CGPreBEd का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 7/6/2018 को होगा, जिसका एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द बोर्ड के द्वारा इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसमें हम यहाँ पर आपको लिंक देंगे जिससे कि आप डायरेक्टली उसकी जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो लिंक है उस पर आप पहुँच जाएँ। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमने नीचे दी हुई है, उस पर भी आज जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक यहाँ पर दिया हुआ हमने, इस पर क्लिक करके आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पहुँच सकते हैं, जो कि यहाँ पर भी वो लिंक प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट आपको बताने वाले हैं CGDEd का जो एडमिट कार्ड है वो कैसे आपको डाउनलोड करना है। उसमें भी सेम प्रोसीजर यही रहेगा। आपको यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर सर्च करेंगे सर्च में CGPreDEd एडमिट कार्ड और सर्च पे क्लिक करके आपको ये पोस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें भी सेम यही प्रोसीजर रहेगा डाउनलोड करने का। इसका भी जो एग्ज़ाम है वो 7/6/2018 को होने वाला है बोर्ड के द्वारा, और इसका जो एडमिट कार्ड है वो भी आप उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ही डाउनलोड करेंगे, जिसका लिंक मैं यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे कि आप डायरेक्टली उस पोस्ट पे पहुँच जाए। नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो सिलेबस है, सिलेबस आपको कैसे डाउनलोड करना है और क्या उसके अंदर एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। अपनी वेबसाइट पर ये सर्च करेंगे CGPreDEd सिलेबस और इस पोस्ट को ओपन करेंगे, जिसमें कि आपको जो DEd का जो एग्ज़ाम होना है उसका पूरा सिलेबस आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसमें एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करें सबसे पहले, तो इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होंगे 100 ही क्वेश्चन होंगे, 100 ही मार्क्स के होंगे। ड्यूरेशन जो रहेगी वो 2 घंटे की रहेगी, और इसमें आपको जो मिनिमम आपको जो पास होने के लिए 40% मार्क्स आपको क्वालिफाइंग के लिए चाहिए, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की। क्वेश्चन पेपर जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी और इंग्लिश में होगी, और जो रिटर्न टेस्ट होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। इसमें जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 20 रहेंगे, और जनरल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन और 30 ही मार्क्स के होंगे। हिंदी के 10 क्वेश्चन और 10 ही मार्क्स के हैं, और टीचिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चन 30 ही मार्क्स के हैं। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन और 10 ही मार्क्स के इसमें रहेंगे। और नेक्स्ट जो इसका जो सिलेबस है वो आपको हम बता देते हैं। हमने यहाँ पर उसका जो PDF है वो दी हुई है, इस PDF को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर लिंक है, इस लिंक पर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें पूरा जो इसमें जो सिलेबस रहेगा वो यहाँ से आप देख सकते हैं, और उसका नोट यह डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आप पूरा इसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 इन्होंने हमने पूरा डिटेल में दिया हुआ है क्या क्या इसमें क्वेश्चंस होंगे, ये साथ में नीचे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं, जिन्होंने CGPreBEd का जो आवेदन किया था तो उसके लिए क्या सिलेबस रहेगा। उसके लिए हम वेबसाइट पर ही चलते हैं अपनी दोबारा से, यहाँ पर सर्च करेंगे BEd सिलेबस और सर्च पे क्लिक करके BEd सिलेबस आ जाएगा आपके सामने। मैं इन दोनों पोस्ट का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, जिसमें आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो या सिलेबस देखना हो दोनों एग्ज़ाम के लिए, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली इन पोस्ट पर पहुँच सकते हैं। तो उसका जो BEd वाला का जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें भी 100 क्वेश्चन और 100 ही मार्क्स के होंगे। इसमें भी 2 घंटे की का टाइम रहेगा, 40% मार्क्स आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है। क्वेश्चन पेपर इसमें भी इंग्लिश और हिंदी में होएगा और ऑफलाइन मोड में रहेगा। इसमें जनरल नॉलेज के भी 20 क्वेश्चन होंगे और जनरल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। हिंदी के 10
10 मार्क्स के होंगे और जनरल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन, 30 ही मार्क्स के हैं, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हैं और 10 ही मार्क्स के हैं। इसमें जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया हुआ है पूरा का पूरा। आप इसको इंग्लिश का जो सिलेबस रहेगा वो यहाँ से आप इसको रीड करके डाउनलोड रीड करके इसको नोट कर सकते हैं। जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं, हिंदी के लिए ये टॉपिक हैं, इन टॉपिक पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जनरल एबिलिटी के यहाँ पर ये टॉपिक दिए हुए हैं और नेक्स्ट जो टीचिंग एबिलिटी है उसके लिए यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर हमने टॉपिक दिए हुए हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना न भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।